डे वन पे मैं स्पॉन होता हूँ एंशियंट सिटी में और मैं था एक गोल्डन वार्डन। और तो और मेरे हार्ट कम भी नहीं थे, मेरे हार्ट 20 थे, वो भी स्टार्टिंग के डे वन से ही। फिर स्पॉन होने के बाद मैं यहाँ वहाँ ढूंढने लग जाता हूँ कि मेरा कोई साथी मिल जाए, तो मैं इस एंशियंट सिटी को एक्सप्लोर करने लग जाता हूँ। बट मुझे कोई नहीं दिखता, मैं अकेला था यहाँ पे। फिर भी मैं कंटिन्यू रखता हूँ लोगों को ढूंढना, क्योंकि मुझको जानना था ये कौन सी जगह है। थोड़ा आगे जाने के बाद मुझे मेरी मॉम दिख जाती है, तो मैं मेरी मॉम से थोड़ी बहुत बातें करता हूँ। बट तरी भी मेरी मॉम बोलती है, बच्चे जाओ छुप जाओ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा है। तो मैं जल्दी से मेरी मॉम की बात मान लेता हूँ और साइड में जाके एक जगह आके पीछे जाके छुप जाता हूँ। बट तभी देखता हूँ तो क्या एक विजार्ड स्केलेटन मेरी मॉम के ऊपर बड़ा सा अटैक कर देता है और उन्हें मार देता है। ये सब मैं देख ही रहा था वहाँ से कोने से, और मुझको देख के ये बहुत ज़्यादा दुखी होता हूँ मैं। बट अभी मैं फिलहाल कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो स्केलेटन विजार्ड बहुत ज़्यादा पावरफुल है। बट एक दिन हम लोग ताकतवर हो जाएंगे और फिर वापस आके हमारा बदला लेंगे ज़रूर। बट फिलहाल मुझको यहाँ से जाना पड़ता है। तो इस जगह से निकल के मैं एक केव के अंदर आ जाता हूँ और केव के अंदर मैं चलते चलते आगे पहुँच जाता हूँ। और यहाँ आने के बाद मुझे छोटा सा कैंप दिखता है, जिसके अंदर एक बेड था, कुछ टेबल्स थे और एक कैंप फायर थी। तो यहाँ पे आसपास कोई कैंप कर रहा है, बट फिलहाल तो मुझे बेड की ज़रूरत थी और यहाँ पे कोई शिप भी नहीं थी। तो मैंने यहाँ से इनका बेड चुरा लिया, सॉरी जिसका भी बेड है, बट फिलहाल मुझे ये चाहिए। और आगे जाके मुझको इस वर्ल्ड का सबसे पहला वुड मिलता है, और फिर मैंने जल्दी से वुड कलेक्ट कर लिए और वो वुड के मैंने बेसिक टूल्स बना लिए। और यहाँ पे पत्थर थे तो मैंने पत्थर भी कलेक्ट कर लिए, और पत्थर से मैंने मेरे टूल्स को अपग्रेड किया और सॉर्ड, ये सब कुछ जो जो चीज़ मुझको काम आएगी और सारी चीज़ें मैंने बना लिया। तो अब हमारे पास बेसिक टूल्स तो आ चुके, तो हम लोग नॉर्मल खतरे से बच पाएंगे। बट फिलहाल तो मेरे पीछे बहुत सारे ज़ोंबी पड़ जाते, कुछ ज़्यादा ही ज़ोंबी थे। बट मेरे पास था एक खतरनाक वाला अटैक, जो कि है गोल्डन बीम। तो ये देख सकते हो मैं गोल्डन बीम यूज करके एक ही बारे में सारे के सारे ज़ोंबियों को मार देता हूँ, और कुछ ज़ोंबी बचे थे इन लोगों को भी मैंने मार दिया। तो गाइस यार फिलहाल तो हम लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल है, छोटे मोटे ज़ोंबी हम लोग को कुछ नहीं कर पाएंगे। और थोड़ी देर के बाद मैं फाइनली सरफेस पे आ जाता हूँ, और ये मेरा फर्स्ट टाइम था इस दुनिया के अंदर जब मैं सरफेस पे पहली बार आया। और यहाँ पे ये जगह बहुत ज़्यादा सुंदर थी, क्योंकि मैं एंशियंट सिटी में ही था, फर्स्ट टाइम ज़मीन के ऊपर आके मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं ज़मीन के अंदर आ जाता हूँ, आगे मैं यहाँ पे चलते जा ही रहा था तभी मैं स्नो के अंदर दस्ते जाता हूँ और थोड़ा थोड़ा करके नीचे अंदर जाता हूँ, और मेरे को बर्फ़ से है ना पूरा कवर हो जाता हूँ और मैं यहाँ पे मरने लग जाता हूँ। बट तभी मैं यहाँ से माइन करके थोड़ा बहुत ऊपर आ जाता हूँ। भाई यार बहुत ज़्यादा खतरा है ऊपर वाली जगह पे सरफेस पे। बट फाइनली मैं वहाँ से बच के आगे आ जाता हूँ एक विलेज में। विलेज के अंदर आने के बाद यहाँ पे फाइनली मुझको खाना मिल जाता है, तो मैं खाना कलेक्ट करने लग जाता हूँ क्योंकि भूत काफ़ी ज़्यादा लगी थी। तभी ये गोल्डम आ जाता है और मेरे को मारना शुरू कर देता है, और मेरी हेल्थ कुछ ज़्यादा ही कम थी, लाइक हाफ हार्ट पे मैं बच गया था। और ये हार्ड कोड भी है तो ना पूरा मर ही जाता मैं। तो साइड में आकर मैं कैरेट्स वैरेट्स खा लेता हूँ, बट इतने आसानी से हार नहीं मानने वाला था। तो मैं फिर से विलेज में आता हूँ और जो बचा खुचा खाना है वो ले लेता हूँ। खाना कलेक्ट कर ही रहा था तभी ये क्यूट सा मोब मेरे पास में आ जाता है और मुझसे खाना मांगना शुरू कर देता है। मैं उसको बोलता हूँ तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ से आए हो और तुम कौन से जानवर हो। तभी एक विलेजर आता है, तो विलेजर को देख के मैं छुप जाता हूँ। और फिर देखता हूँ तो क्या ये विलेजर उस छोटे से क्यूट से मोब को मारने की ट्राई करता है। मैं इस विलेजर के पीछे आता हूँ और बोलता हूँ लड़ना है तो मुझसे लड़ो, वो छोटे जानवर से क्यों लड़ रहे हो। तो विलेजर मुझको देखते डर के भाग जाता है यहाँ से, और भाई साहब मैंने इसको बचा लिया था ये छोटे से मोब को। तो मैं इससे बातें कर लेता हूँ और ये छोटा सा मोब मुझको बताता है कि इसकी फैमिली पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, अब ये अकेला बचा है तो इसके पास खाना वाना कुछ नहीं है। तो मैं इसको एक क्यूट सा नाम देता हूँ पीकू, और बोलता हूँ आज से हम दोनों बेस्ट फ्रेंड है, अब हम दोनों साथ में रहेंगे। तो ये भी हाँ बोल देता है साथ में रहने के लिए, तो आज से हम दोनों दोस्त हैं। बट तभी हमारे पीछे से ये गोलम आ जाता है और मुझ पर अटैक करना शुरू कर देता है, और ये पीकू को भी अटैक करने वाला था। बट गाइस यार तभी मैं मेरे गोल्ड बीम को छोड़ दूँ इसके ऊपर और इसका खेल ख़त्म। तो भाई मैंने खुद को और हमारे पीकू दोनों को मैंने सेव कर दिया था गोलम से, और फिर आगे जाता हूँ और थोड़े से रिसोर्सेज कलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि अब हमको एक घर भी चाहिए ना रहने के लिए, अब हम अकेले नहीं दो लोग हैं। तो मैं और पीकू दोनों मिलकर एक छोटा सा बेस बना लेते हैं, ज़्यादा कुछ खास नहीं बनाने वाले, बट फिलहाल रहने लायक तो हमको एक घर बनाना पड़ेगा। तो पीकू भी हमारी मदद कर लेता है और यहाँ पर मैं घर की छत कम्प्लीट करने लग जाता हूँ। ये सबसे बोरिंग पार्ट लगता है मेरे को छत बनाना, बट स्टिल मैंने पूरा घर बना लिया। फाइनली यहाँ पर मैंने चेस्ट लगा दिया और सारी इन्वर्टर को सॉर्ट कर दिया भाई, क्योंकि यार को बहुत ज़्यादा सामान आ गया था मेरे पास। तो बेड को लेके मैं और पीकू आगे आ जाते हैं माइनिंग करने, क्योंकि अब हमको आर्मर भी बनाना पड़ेगा, खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा, और फाइनली हम लोग उस विजार्ड स्केलेटन से लड़ाई भी करेंगे। और आगे जाके मैंने कोल भी ले लिया, जिससे मैं आयरन को है ना स्मेल्ट कर पाऊँ, और घर पे आने के बाद इसको मैं पकाना शुरू कर देता हूँ। और
फाइनली हमारा पूरा आर्मर का पक चुका था, तो मैंने आयरन से आर्मर बना लिया, टूल्स बना लिए, जो जो बेसिक चाहिए था मुझको सारा कुछ बना लिया, और फिर मैं बहुत ज़्यादा थक गया था तो सो गया। सोते ही मेरे को एक सपना आ जाता है, बहुत ज़्यादा बुरा सपना था, एक अजीब सी जगह पर मैं स्पॉन हो जाता हूँ, बट ये मुझको जगह देखी देखी लग रही थी। तो ये जगह पर आने के बाद मैं आगे आ जाता हूँ और ये सारी जगह चमक रही थी और देखी देखी सी लग रही थी। तो मैं आगे 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 जाता हूँ थोड़ा सा देखने के लिए, तभी मेरे को पता चल जाता है कि अरे ये तो मेरा घर है, बट तभी ये विजार्ड स्केलेटन मेरे सामने आ जाता है और फिर गाइस यार ये मेरे पे अटैक करने वाला था और फिर मेरे पे बड़ा सा बम फोड़ देता है, तभी मेरी नींद खुल जाती है और फिर यार ये सपना ख़त्म हो जाता है। बहुत ज़्यादा खतरनाक सपना था, बट फिलहाल मुझको ये पता चल गया था कि वो विजार्ड स्केलेटन मेरे पीछे पड़ा हुआ है और वो मुझको कभी भी मार सकता है। तो हमको तैयार रहना पड़ेगा और ख़ुद को ताकतवर बनाना पड़ेगा, और वो जगह मेरी घर था, मतलब एंशियंट सिटी थी वो घर, तो हम लोग वापस वहाँ पर जाएंगे, बट फिलहाल तो हम लोग पावरफुल नहीं है, इसलिए मैं बाहर आ जाता हूँ पावरफुल होने के लिए। और शिप को कलेक्ट करने लगने वाला था, बट तभी मेरे पीछे बहुत ज़्यादा अजीब वाले स्पाइडर पड़ जाते और मुझ पर अटैक करना शुरू कर देते, बट हमारे गोल्डन भीम के साथ मैं इनके ऊपर अटैक कर देता हूँ, एक एक करके सबको मारना शुरू कर देता हूँ। और फाइनली एक आखिरी बच्ची थी, इसको भी मैंने स्वॉर्ड के साथ मार दिया और फाइनली ये शिप लोगों को मैंने फंसा फंसा के वीट दिखा दिखा के नीचे आ जाता है हमारे बेस के अंदर। और यहाँ पे मैं भूल ही गया था इन लोगों के लिए बेस बनाने के लिए, तो मैं इन लोगों के लिए जल्दी से फटाफट एक सादा सा बेस बना लेता हूँ, ज़्यादा कुछ रिसोर्स नहीं है, तो मैं सिंपल सा बेस बना दिया इन लोगों के लिए और फिर यहाँ पे इन लोगों को नीचे से वीट दिखा दिखा के यहाँ पे ला लिया, इन लोगों की ब्रीडिंग कर दी जिससे इनकी संख्या बढ़ जाए। और फिर मैं और पीकू यहाँ पे घर के बाहर आ जाते, थोड़ी बहुत बात कर रहे थे और फिर एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाते हैं पूरे वर्ल्ड को। तो फिर आगे आ जाते थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने के लिए, डेजर्ट में पहुँच जाते, तभी हमारे ऊपर होता है अटैक वुल्फ लोगों का और फिर ये पीकू को भी मारने वाले थे, बट तभी मैं पीकू को बचा लेता हूँ और फिर बहुत सारे और वुल्फ आ जाते, बट तभी मैं मेरे गोल्ड मतलब मेरे गोल्डन बीम को यूज़ कर लेता हूँ और सारे वुल्फ को ख़त्म कर देता हूँ। फिर हम आ जाते हैं एक जंगल वाले बायोम के अंदर और यहाँ पे था बहुत सारा टेस्टी टेस्टी खाना। तो सबसे पहले मैंने वाटरमेलन कलेक्ट कर लिए, कोकोआ बीन्स कलेक्ट कर लिए क्योंकि इससे हम लोग कुकीज़ बनाएंगे। तो ये सब कुछ कलेक्ट करते करते हम लोग आगे जा ही रहे थे, तभी हमारे पीछे हमारे आगे एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है जो कि कुछ ज़्यादा ही खतरनाक था और फिर अचानक से ज़मीन के अंदर से बाहर निकलते ही हम पे अटैक करना शुरू कर देता है। तो मैं इसे लड़ना शुरू कर देता हूँ और पीकू भी हमारी हेल्प कर ही रहा था, बट मैं पीकू को बोल रहा था तू पीछे रहे क्योंकि बहुत ज़्यादा खतरनाक मॉन्स्टर है, बट फिर भी स्टिल पीकू इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और मैं भी अटैक करना शुरू कर देता है। फिर भाई यार मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा कम थी और फिर ये बहुत ज़्यादा ज़मीन के अंदर से कांटे वाटे निकाल रहा था और फिर यार बहुत ज़्यादा देर तक हम दोनों फाइट कर रहे थे और बहुत ज़्यादा थक भी गए थे। तभी पीकू इसको मारने जाता है और फिर तभी ये बड़ा सा कुछ फेंकता है और हमारे पीकू को मार देता है। ये देख के मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर मैं पूरे गुस्से से अटैक करना शुरू कर देता हूँ इसके ऊपर और फिर फाइनली गाइस यार बहुत टाइम के बाद इसको मैंने मार ही दिया। बट अब मार के क्या ही फ़ायदा क्योंकि हमारा दोस्त भी पीकू मर चुका है। तो गाइस यार पीकू को शांति मिल जाए इसके लिए आप लोग कमेंट के अंदर RIP पीकू लिख देना। हमारा बेस्ट फ्रेंड एक ही था इस पूरे दुनिया के अंदर बट वो अब नहीं रहा, तो आप लोग कमेंट तो कर ही सकते हो, तो प्लीज़ कमेंट के अंदर RIP पीकू लिख देना। तो मैं ये सब कुछ देखने के बाद घर पर जा ही रहा था, तभी आगे देखता हूँ तो लड़ाई चालू होती है और फिर एक बड़ा सा मॉन्स्टर एक छोटे से विदर के बच्चे पर अटैक कर रहा था। ये देख के मैं उसको बचाने के लिए आगे चला जाता हूँ और फिर वो मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता हूँ। तो मैं और वो मॉन्स्टर हम दोनों में बहुत देर तक लड़ाई चली जाती है और बहुत देर तक ये लड़ाई चलती है। मैं उस पर अटैक कर रहा था, वो भी बहुत सारे लोगों को स्पॉन कर रहा था, बट फाइनली मैं मेरे गोल्ड बीम को यूज कर करके उसको मार दिया और फिर ये वीदर के बच्चे से बात कर लेता हूँ। तो वीदर का बच्चा बचा था बोलता है मुझे कि ये ना इसकी फैमिली से बिछोड़ चुका है और इसके ऊपर बहुत सारे लोग अटैक कर रहे हैं। तो मैं इसको बोलता हूँ तुम मेरे घर पर रह सकते हो और फिर हम दोनों बाद में जाके तुम्हारी फैमिली को भी ढूंढेंगे। तो इसको मैं मेरे बेस पे लाता हूँ और इसके लिए छोटा सा घर बनाने के लिए शुरू कर देता हूँ और एक प्यारा सा ब्लैक कलर का मैंने इसके लिए बेस बना लिया और इसके अंदर से अब ये रोज़ रहेगा। और इसका चेहरा देख के लग ही रहा था कि ये बहुत ज़्यादा हैप्पी है ये बेस को देख के। तो अगले दिन मैं आगे आ जाता हूँ और बहुत सारी डर्ट इकट्ठा कर लेता हूँ क्योंकि अब हमको बनाना है फार्म, मतलब बहुत ज़्यादा फार्म बनाना है क्योंकि खाने की कमी पड़ रही है हमको और फिर अब मैं इतना बड़ा फार्म बनाऊंगा कि खाने की कमी नहीं पड़ने वाली। तो मैं यहाँ पे माइनिंग कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत कर लेता हूँ, पानी डाल देता हूँ, क्राउ मतलब टॉर्च वॉच सब कुछ लगा देता हूँ और फिर फाइनली हमारा फार्म रेडी हो चुका था। और कितनी ज़्यादा सही लग रही है ये वाली, इतना काम करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ और फिर सो जाता हूँ क्योंकि नेक्स्ट दिन हमको जाना है एक बहुत ज़्यादा खास जगह पे जो कि है एंशियंट सिटी जो मेरे सपने में आई थी। तो मैं वो वाली जगह को फॉलो कर देता हूँ और थोड़े दिन के बाद वहाँ
पे मैं पहुंच जाता हूँ और आके देखता हूँ तो क्या ये पूरी की पूरी सिटी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, सारे जगह पे लावा वावा था और पूरी जगह डिस्ट्रॉय हो गई थी। बट स्टिल मैं यहाँ पे कुछ लोगों को ढूंढने की ट्राई कर देता हूँ कि मेरे कोई दोस्त वोस्त कुछ मिल जाए, बट तभी यार यहाँ पे कोई भी नहीं मिलता और मेरे पीछे से अटैक हो जाता है। कुछ ज़्यादा स्केलेटन मेरे पीछे आ जाते हैं और अटैक करना शुरू कर देते, बट फिर भी मैं इनसे लड़ना स्टार्ट कर देता हूँ और फिर एक एक करके इन लोगों को मारना शुरू करता हूँ। और फिर बहुत ज़्यादा थे तो मैं मेरे गोल्ड बीम को यूज़ करके एक एक करके मार देता हूँ। सारे स्केलेटन को मारने के बाद मैं आगे एक्सप्लोर करने चला जाता हूँ, तभी यहाँ पे मेरे सामने एक बड़ा सा क्रिएचर स्पॉन होता है और इसके ऊपर मैं अटैक करने वाला था, तभी ये यहाँ से गायब हो गया था। और गाइस यार मुझे पता चलता है कि ये बड़ा सा क्रिएचर विजार्ड स्केलेटन का साथी है। अब ये विजार्ड स्केलेटन को जाके हमारे बारे में मैं बताएगा और फिर विजार्ड स्केलेटन हमको मारने के लिए हमारे पीछे पीछे आएगा। दिन ये वाले एंशिएंट सिटी से बाहर निकल के मैं घर की ओर निकल जाता हूँ, बट तभी मेरे को बहुत ज़्यादा याद आती है हमारे बेस्ट फ्रेंड पीकू की। और फिर मैं कुछ करना चाहता था उसके लिए, क्योंकि यार इतना अच्छा दोस्त था तो उसके लिए मैं एक काम कर लेने वाला हूँ, एक बड़ा सा अच्छा सा क्यूट सा स्टैचू बनाने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे भी मटेरियल कलेक्ट करना शुरू कर देता हूँ, सैंड कलेक्ट कर लेता हूँ, ग्रेवल कलेक्ट कर लेता हूँ और भी बहुत ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें चाहिए थी, जैसे कि फ्लावर चाहिए था। तो मैं फ्लावर ढूंढने के लिए यहाँ पे आता हूँ, क्योंकि यार फ्लावर ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल था और कुछ ज़्यादा ही फ्लावर चाहिए हमको, क्योंकि हमारा दोस्त पीकू येलो कलर का था तो हमको येलो कलर का चाहिए डाय। तो घर पर आने के बाद मैंने बहुत सारे यहाँ पे कॉन्क्रीट पाउडर बना लिए और फिर कॉन्क्रीट पाउडर को मैंने कॉन्क्रीट के अंदर कन्वर्ट कर लिया और हमारे पीकू के स्टैचू के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। और हमारा वेदर फ्रेंड भी हमारी मदद करना स्टार्ट कर देता है, तो हम दोनों मिलकर हम लोग ये पूरी की पूरी स्टैचू बनाने वाले। ये स्टैचू बनाने में हम दोनों को बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है और ये अकेली निशानी हमारे दोस्त पीकू की। तो गाइस जरा आप लोगों को कैसे लगा ये स्टैचू आप लोग कमेंट के अंदर बता सकते हो, लाइक 0 से 10 में से कितनी रेटिंग दोगे आप मुझको बताओ कमेंट के अंदर। मैं पर्सनली इसको 10 में से 10 रेटिंग दूंगा, क्योंकि यार ये हमारे दोस्त पीकू की आखिरी निशानी है और इसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगा है। तो आप लोग कितनी रेटिंग दोगे आप लोग कमेंट के अंदर दे देना। और फिर यहाँ पे मैंने खाना भी कलेक्ट कर लिया और घर पे आने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ी सी प्रोटेक्शन के लिए आर्मर बनाने वाला था, बट यार हमारे पास सिर्फ आयरन था तो फिलहाल हमको अब अपग्रेड होना पड़ेगा। और फिर मैं चला जाता हूँ डायमंड ढूंढने के लिए, तो मैंने पिकैक्स विकैक्स बना ली और चला जाता हूँ डायमंड ढूंढने। और मैं यार मेरी लक बहुत ज़्यादा साथ दे रहा था, क्योंकि मेरे को आगे थोड़ा बहुत जाने के बाद डायमंड मिले और भी बहुत ज़्यादा डायमंड मिले और आज का दिन यार बहुत ज़्यादा लकी था, क्योंकि कुछ ज़्यादा डायमंड मिल रहे थे। और इतने सारे डायमंड को देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि अब हम लोग फाइनली थोड़े बहुत ज़्यादा ताकतवर हो सकते। डायमंड्स लेके मैं निकला ही था तभी मेरे को दो आदमी दिखते सामने और वो लोग कुछ लोग बातें कर रहे थे और मैं इनकी बातें सुनता हूँ तो मेरे को क्या समझ आता है पता है गाइस, ये दोनों मेरे पीछे पड़े हैं और ये दोनों मुझको पकड़ के विजार्ड स्केलेटन के पास लेके जाने वाले। तभी एक आदमी मेरे ऊपर देखता है और फिर दोनों मेरे पीछे पड़ जाते हैं और मुझको मारना शुरू कर देते। इन दोनों से मैं भाग जाता हूँ, क्योंकि गाइस यार लड़ तो नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों प्लेयर बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इनके पास आर्मर वार्मर है और ये दोनों मुझको पकड़ के विजार्ड स्केलेटन के पास भी ले जाएंगे। तभी मैं लावा के अंदर कूद जाता हूँ और बच जाता हूँ, क्योंकि गाइस यार लावा से मेरे को कुछ भी डैमेज नहीं होने वाला, मैं खुद एक गोल्डन वाला वार्डन हूँ तो मेरे को कुछ नहीं हो सकता। तो मैं उन दोनों से बच जाता हूँ और फाइनल घर के अंदर आ जाता हूँ। घर पे आने के बाद सबसे पहले मैंने डायमंड का आर्मर बना लिया, ज़्यादा आर्मर तो नहीं बना पाया, सिर्फ चेस्ट प्लेट और पैंट बना पाया, तो इसलिए हमको और भी ज़्यादा ताकतवर होना पड़ेगा। उसी के लिए मैं आगे इस पूरे वर्ल्ड को ढूंढने के लिए निकल जाता हूँ कि मैं कैसे ना कैसे करके ताकतवर बन जाऊँ। तो आगे आ जाता हूँ, एक अलग वाली बायो में आ जाता हूँ और सामने दिखता है बड़ा वाला विलेज जो कि पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हुआ था, चारों तरफ आग ही आग लगी थी, घर पूरे डिस्ट्रॉय हो गए थे और एक भी यहाँ पे विलेजर नहीं था। बट सामने एक पहाड़ी के ऊपर मुझको कुछ चीज़ दिखती है, वो देखने के लिए मैं पहाड़ी के ऊपर आ जाता हूँ, बट यहाँ पे मेरे को एक फ्री का एमरल्ड मिला तो मैंने एमरल्ड लिया और आगे वही मेरे को वो क्रिएचर मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा है और ख़तरनाक भी है। बट मैं इसको इस बार मैं छोड़ने नहीं वाला था और फिर इसके ऊपर मैं जाता हूँ अटैक करने के लिए, बट तभी ये क्रिएचर यहाँ से भाग जाता है और एक बड़े से रोबोट को स्पॉन कर देता है और यह रोबोट मेरे ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और इसके पास बहुत ज़्यादा बड़ा वाला एक हथियार था। फिर ये एक और क्या कर रहा था पता है गाइस, ये और भी लोगों को स्पॉन कर रहा था, इसके आर्मी को स्पॉन कर रहा था। बट हम भी है ना नूब नहीं रहे, हम भी अब बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं, तो मैं इसकी आर्मी को भी मार देता हूँ और गोल्डन वाली बीम यूज़ कर करके इसको भी मारना स्टार्ट कर देता हूँ। और इसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा कम थी और पीछे आके एक गोल्ड बीम यूज़ कर देता हूँ इसके ऊपर और इसका भी खेल ख़त्म। तो गाइस यार हम लोग अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुके, इतने बड़े आदमी को भी मार दिया और इसका मेरे को हथियार भी मिल चुका है। अब इसका यूज क्या है पता नहीं, बट आगे जाके हमको ये काम आएगा। जाने से पहले वो खतरनाक वाला क्रिएचर मुझको बता के गया कि विजार्ड स्केलेटन पूरे वर्ल्ड के ऊपर डार्कनेस छाना चाहता है और गाइस यार ऐसा मैं होने नहीं दे सकता और उसके लिए हमको विजार्ड स्केलेटन को मारना पड़ेगा। बट फिलहाल मैं हमारे घर पे ऊपर जाता हूँ, जाते जाते मेरे पीछे एक विदर आता है और मेरे ऊपर अटैक करता है। ये विदर इसके बेटे को ढूंढ रहा था इसलिए इतना ज्यादा गुस्सा था। मैं इसको बताता हूँ तुम्हारा बेटा तो मेरे बेस के ऊपर है, तो मैं इस विदर को हमारे बेस पे ले जाता हूँ। यहाँ आने के बाद मैं इस विदर को पूरा प्लान बताता हूँ विजार्ड स्केलेटन
का कि वो पूरे दुनिया पे डार्कनेस छाना चाहता है। और फिर इस विदर को मैं बोलता हूँ आप कुछ मेरी हेल्प करो, मुझको थोड़ा पावरफुल बनना है। तो विदर बोलता है वो तो मेरी हेल्प नहीं कर पाएगा, बट उसकी एक फ्रेंड है विच, वो मुझको बहुत ज्यादा पावरफुल कर सकती है। और मुझे एक मैप देता है जो कि विच के घर के पास तक मुझे ले जाएगा, और वो वाला मैप मैं ले लेता हूँ। और फिर वो मैप को फॉलो करते हुए रास्ते पे जाता हूँ, और फिर बहुत टाइम के बाद फाइनली मैं उस विच के घर पे ऊपर आ जाता हूँ। और विच को मैं समझाता हूँ मेरी पूरी सिचुएशन कि विजार्ड स्केलेटन मेरे पीछे पड़ा हुआ है और ये पूरी दुनिया पे कंट्रोल करना चाहता है। और फिर बोलता हूँ मुझको पावरफुल करो। विच बोलती है वो तो मुझे पावरफुल कर देगी, बट उसके बदले मुझको एक आइटम ला के देना पड़ेगा, और वो आइटम को प्रोटेक्ट कर रहा है एक बड़ा सा मॉन्स्टर। तो मैं इसे बोलता हूँ कोई भी मॉन्स्टर रहे वो, मैं जाऊँगा और वो मॉन्स्टर को मार के वो वाला आइटम ला के दूंगा। तो मैं निकल जाता हूँ वो वाला आइटम लाने के लिए। और फिर भाई यार बहुत ज्यादा टाइम चलने के बाद मैं ओशन में पहुंच जाता हूँ। वहां पर मैंने एक बोट बना ली क्योंकि ओशन के अंदर से बोट से मैं तेजी से पहुंच जाऊंगा। और फाइनली उस जगह पे मैं पहुंच गया, और आने के बाद देखता हूँ तो क्या बहुत ज्यादा बड़ा सा एक हिरन टाइप का मॉन्स्टर था जो कि उस चीज को प्रोटेक्ट कर रहा था। बट भाई यार मैं इसको छोड़ने नहीं वाला, और इसको मारने के बाद वो वाला आइटम लेके मैं विच को लेके दे दूंगा। और फिर हम दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। ये इसके आइटम को प्रोटेक्ट कर रहा था और मैं उस वाले आइटम को लेने के लिए आ गया था। तो हम दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। वो मुझ पर अटैक कर रहा था, मैं उस पर अटैक कर रहा था, और ये काफी ज्यादा ताकतवर था। अभी तक मैंने जितने भी मॉब से लड़ाई की है उन सब में से ये ज्यादा सबसे ज्यादा ताकतवर था। पर स्टिल मैंने हार नहीं मानी और लड़ाई को कंटिन्यू रखा। और ये वाला जो मेरे को वेपन मिला था वो वाले वेपन को भी मैंने यूज किया, वो काफी ज्यादा पावरफुल था वेपन। और फाइनली मैं मेरे गोल्डन बीम यूज कर रहा हूँ और इसकी छुट्टी कर देता हूँ। और गाइस यार इसको मारने के बाद मैं वो वाला आइटम ले लेता हूँ जो कि था ड्रैगन स्टाफ। मुझे पता नहीं इसका यूज क्या है फिर, या फिर ये ताकतवर है या फिर घटिया चीज है। बट एनीवेज ये वाली चीज को हम लोग विच को देने वाले कैसे भी करके। तो मैं आ जाता हूँ विच के घर के अंदर और इसको वो वाली चीज दे देता हूँ। और इसके बदले विच मुझे वो वाली चीज देती है जिसको मैं खा के बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाता हूँ। और गाइस यार देख सकते हो अब हमारे तीन तीन लाइन आ चुके हर्ट्स के। तो इसको मैं धन्यवाद बोल देता हूँ और फिर यहाँ से हम लोग घर पे आ जाते हैं। घर पे आने के बाद सबसे पहले मैंने पूरे के पूरे क्रॉप्स को कट किया क्योंकि खाने की कमी पड़ रही थी, और इतना सारा काम करने के बाद मैं बहुत ज्यादा थक गया था। तो फाइनली आके सो जाता हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग पे हमारे घर पे आ जाता है एक अलाय, और फिर इससे मैं बात कर देता हूँ कि भाई तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तो ये बोलता है उसको हेल्प चाहिए, उसकी पूरी फैमिली को पिलेजर लोगों ने किडनैप किया है। और गाइस यार पर्सनली मुझे भी पिलेजर लोग पसंद नहीं है, तो मैं उसको बोलता हूँ चलो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा और तुम्हारे पूरे के पूरे फैमिली को बचाऊंगा और सारे पिलेजर की छुट्टी भी करूंगा। तो ये अलाय के मैं पीछे पीछे जाता हूँ, और फिर मैं आ जाता हूँ वो पिलेजर्स के बेस पे। आने के बाद देखता हूँ तो क्या यहाँ पे वो बहुत ज्यादा ही पिलेजर थे, और वो लोगों ने यहाँ पे अलाइज को भी कैद करके रखा था, और तो आयरन गोलम्स को भी कैद करके रखा था। तो मैं आ जाता हूँ और फिर यहाँ पे देखता हूँ भाई यार देखो सारे के सारे लोग जेल के अंदर कैद है। तो इनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता हूँ। और गाइस यार हम लोग पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं, और यहाँ पे देख सकते हो मैं मेरे गोल्ड बीम यूज कर लेता हूँ। और गाइस यार एक एक बार में मैं 10-10 पिलेजर्स को मार रहा था, और थोड़े टाइम के अंदर सारे पिलेजर्स को हरा दिया। और फिर यहाँ की मैंने जेल तोड़ दिया और सारे अलाइज को मैंने फ्री कर दिया, अब ये लोग सेफ है। फिर मैं ये अलाइज से थोड़ी बहुत बात भी कर देता हूँ, बट अब हमारा टाइम आ चुका है घर पे जाने का। तो मैं हमारे घर पे निकल जाता हूँ, और रास्ते में मैं था और ये जंगल वंगल था, बहुत ज्यादा खतरनाक जगह थी। और आगे ही मेरे सामने वो वाला बड़ा सा क्रीचर आ जाता है और मेरे पे अटैक करना शुरू कर देता है। तो गाइस यार पिछले टाइम तो ये मेरे से बच के भाग गया था, पर इस बार मैं इसे जाने नहीं दूंगा और इसके ऊपर मैं अटैक करना शुरू कर देता हूँ। ये भी मेरे पे अटैक कर रहा था, ये मेरे ऊपर स्केलेटन के हेड छोड़ रहा था और इसके आर्मी को भी स्पॉन कर रहा था। और इसके आर्मी के पास नेदरराइट के स्केलेटन मतलब नेदरराइट के आर्मर्स थे, तो ये काफी ज्यादा खतरनाक थे। बट फिलहाल गाइस यार हम भी पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं, अब हमारे पास एक्स्ट्रा हार्ट भी आ चुके हैं, तो अब हम भी हार नहीं मानने वाले। एक एक करके सबसे पहले तो मैंने इसकी पूरी आर्मी को हरा दिया, और फिर इसके ऊपर पर्सनली अटैक करने लग गया। और गाइस थोड़े टाइम के बाद इसको भी मैंने मार दिया, और इसने एक मैप को ड्रॉप किया, और ये वाले मैप के अंदर एक लोकेशन था, और मुझे पता था कि ये लोकेशन हमको ले जाएगा विजार्ड स्केलेटन के पास। तो गाइस यार मैं बिना सोचे वहां पे निकल जाता हूं, और फाइनली एक बड़े से खतरनाक सी जगह पे आ जाता हूं, और यहां पे सामने था खुद विजार्ड स्केलेटन। तो मेरे यहां पहुंचते ही हम दोनों में लड़ाई छिड़ जाती है, और वो मेरे पे फुल बहुत ज्यादा ताकतवर वाले अटैक कर रहा था, और मैं भी उसके ऊपर हमारी गोल्ड बीम छोड़ रहा था। और गाइस यार ये वाली लड़ाई डिसाइड करेगी कि अच्छाई जीतेगी या फिर बुराई जीतेगी। अगर ये स्केलेटन जीत गया तो ये पूरी दुनिया पे कब्जा करेगा और सारे लोगों को मार के पूरी दुनिया को डार्क वर्ल्ड बना देगा, बट ऐसा नहीं होने दूंगा और मैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा खतरनाक वाले अटैक कर लेता हूँ। और गाइस यार फाइनली मैंने इसको हरा दिया, और गाइस हम लोग जीत गए। नेक्स्ट वाला 100 डेज क्या चाहिए आप लोग कमेंट